अपनी पहली बस में हम जा रहे हैं मंडी दिवालसर से, और इस नए ब्लॉक की जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है। फाइनली आ गई है पराशर की बस और बैठ गए, और ये रही पूजा अंदर। द जर्नी बिगिंस नाउ। 7 ट्रैक के एक्सपीरियंसेस के बाद घर से 14 घंटे की बस जर्नी और 12 किलोमीटर रोड ट्रैक, डिफिकल्ट टेरेन, खड़ी चढ़ाई, जंगल में, गांव में, पहाड़ में और बर्फ में घंटों चलने के बाद, तारों के नीचे सोने के बाद हम जीने वाले हैं एक नया एक्सपीरियंस। कंफर्ट से दूर, काफी दूर, टूरिस्टी लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर, अपने 8वें ट्रैक पर जो है तो यकीन मानिएगा ये वीडियो किसी भी ट्रैकिंग वीडियो से काफी अलग है, क्योंकि इस सफर में हमारा हर एक बढ़ता कदम सिर्फ हमारी मंजिल की ओर ही नहीं बढ़ रहा था, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले गांव, पहाड़ और लोगों के भी हम करीब जा रहे थे। कैसे हो आंटी जी? बढ़िया। आपने कई बार ये लाइन सुनी होगी कि द जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। हमने ये सुनी भी है और हम ये मानते भी हैं। तो ये मिठाई, ये इस खुशी में आज काम चालू किया तो आप लोग भी आ रहे थे, आप खाके जाइए। और कहीं ना कहीं हमारा ये एक्सपीरियंस हमारे उस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। पर कहीं आपने हमें मुस्कुराता देख ये तो नहीं सोच लिया कि वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है? कैसा लग रहा है पूजा? मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। कल के जो 2 ट्रैक हमने लगातार कर दिए हैं ना चाहते हुए भी, उसका कुछ लग रहा है ड्रॉबैक थे, लेकिन यार उससे थोड़ा वार्म अप भी तो हो गया। वार्म अप बोल सकते हैं, मैं तो मसल्स भर गई हैं सारी, जो कि अभी फील हो गई हैं। बाकी साथी हमारे वो रहे ऑनेस्टी से बैठ रही है थोड़ी। क्या मोटिवेशन है ऊपर जाने की? पहले तो अभी सनसेट और वो ऊपर पीक दारू वाली बूज और स्टार गेजिंग। नहीं, स्टार है मेरा, स्टार है इसका बूज है। रुको, शुरू से शुरू करते हैं। हमने कहीं सुना था कि लाइफ जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं, तो बस इसी लाइन को दिल में बिठाकर हमने शुरू कर दी अपनी तैयारी। गाड़ी पर डाला कवर और फिर नोएडा से ऑटो और मेट्रो लेकर पहुंच गए कश्मीरी गेट। जी हाँ, वही कश्मीरी गेट जहां से हर दिन कई लोग हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी एंड पॉपुलर प्लेस के लिए बस लेते हैं। क्या आपको भी लगा मनाली? अगर आपने ये सोचा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जहां हम जा रहे हैं वो भी एम से ही स्टार्ट होता है, पर वो मनाली नहीं, वो है मंडी। क्या हो गया पुरु? लालच आ रहा है। क्या देख के लालच आ रहा है बस स्टैंड में? चिप्स, कलरफुल लगे हुए मैगी, अंडों की क्रेट। ये सब तो आप खाते भी नहीं हो। पर आखिर हम पराशर क्यों चल पड़े? ओहो, ये शॉर्ट्स पराशर के थोड़ी ना है, ये भी हमारी मंडी ट्रिप का ही पार्ट है। मैं इस मॉन्क को फॉलो क्यों कर रही हूँ? हम इस गुफा में क्या कर रहे हैं और आखिर ये पहाड़ी दादियाँ हमें क्या बोल रही हैं? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुँच जाए। तो पराशर हम आए हैं स्नो, सनसेट, स्टार्स और सनराइज देखने के लिए। ये 4 शॉर्ट्स उनके लिए हैं जिनके पास वीडियो देखने के लिए कम टाइम है। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमारा सफर मंजिल से भी ज्यादा सुंदर था, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये सफर। तो हम पहुंच गए हैं बागी, जिसे आप पराशर लेक ट्रैक का बेस कैंप भी बोल सकते हैं, और ये पीछे रहा हमारा कैफे, जहाँ जिस भैया के साथ हम जाने वाले हैं ऊपर पराशर लेक। यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रैक मतलब ये लेके जाना पड़ेगा, हम पे सामान इतना ज्यादा है तो थोड़ा सा ट्रैक भी हमारे लिए तो ट्रैक किया। तो ये है अंदर का कैफे, और ये मिला है हमें अंगू, और इसका नाम है अंगू। फुल एक्साइटमेंट में। तो अभी थोड़ी देर का यहाँ पे टाइम है, 10:30-11 बजे से ट्रैक स्टार्ट होगा, और उससे पहले थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हो लेते हैं जल्दी से, कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर ट्रैक पे। फाइनली दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू रीच, और अभी हम कैफे पे हैं। ये जो ट्रैक से पहले की ब्रीफिंग होती है ना, इससे एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। अननोन की तरफ बढ़ते हुए हम अननोन लोगों और जगहों को नोन बनाने में लग गए। हाय, आई एम प्रांजल, आई एम फ्रॉम नोएडा, ओवर टू यू। हाय, आई एम शान्या, गो फॉलो माय इंस्टा हैंडल, दैट इज ऑल्ची स्टाइल्स,
and I'm from Delhi only. Okay. I'm Manny, I'm from Noida. Hello guys, my name is Priyanshu and I'm a student at Delhi University. Hi, I'm Ankit and I'm also from Noida. कहाँ चुप रहे? You brother कहाँ चुप रहे? I'm Ankit. हाँ. I'm from Noida. यार कितना cover कर लिया हमने? लगभग. एक किलोमीटर के आसपास. तो लाइफ कैसी है पहाड़ों में? जिंदगी? बहुत मुश्किल है. अभी आप देख ही रहे रोड के हालात. देखो प्रशासन इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है. अबू ज्यादा फेमस हो गए ना ट्रैक. इससे पहले तो क्या ही होता होगा साधन आएगा. हाँ वही खेती बाड़ी है. हाँ. वही मैम उसी के ऊपर हम निर्भर हैं. जहाँ पे लेडीज खड़ी है इसके नीचे किसी और का है. हर एक खेत सबके एक एक खेत है. यहाँ पे वहाँ पे राजनीति चलती है. ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, तो इसको लगे उसके लिए रोड नहीं चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए. क्या बड़ी दिक्कत है. जैसे सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में कांग्रेस आ गई, तो वो फंड्स निकाल देते हैं, पैसे नहीं देते. वो अब जितने यहाँ पे क्या जहाँ जो जिस क्षेत्र ये देखो. वो जो ऊपर गांव है उन लोगों के खेत सारे इधर नीचे हैं और उसमें सारी सड़क ऐसे. तो बेसिक बीज बोने से लेके और हर चीज़ ऐसे में ले जाके आपको सामान लाना. तो भैया शहर में बैठे बैठे पहाड़ बड़े सुंदर लगते हैं. कूल ट्रैवलर्स का फोटो सेशन. राज भैया हमारे गाइड वैसे तो हमसे पहली बार मिले थे पर ऐसा लगा बिल्कुल नहीं. भैया ने हमसे दिल खोल कर बातें करी और हम भी उनकी बातों में काफी इन्वॉल्व हो गए. उनके थ्रू हमने पहाड़ों के बारे में काफी नए पर्सपेक्टिव्स को जाना. मेरा नाम महेंद्र पाल है और मेरा गांव इधर नंदनी में है जी. स्थिति बहुत खराब है सर. यहाँ पे हर साल बारिश बहुत भयंकर होती है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ नाले में बहुत खतरनाक खड्डाती है और यहाँ पे ना ही रोड है ना ही स्कूल रहे हैं हमारे. दिक्कत का सामना करना पड़ता है सर. कॉलेज तो बात की बात है, पहले प्राइमरी में जाना पड़ता है सर. यहाँ बच्चों को नीचे छोड़ना पड़ता है डेली. ना ही रोड है ना ही रास्ता है. तो कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी. ना ही रोड है. अब यहाँ पे हम सब्जियाँ उगाते हैं ना, नीचे जो खेत देखे आपने. हाँ. तो वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है फूलगोभी वगैरह सब्जियों की. तो सब्जी मंडी तक ले जाने में बहुत दिक्कत आएगा इस साल. तो रोड के लिए यहाँ पे कोई भी प्रशासन ना ही ध्यान दे रहा है ना सरकार दे रही है. ये है बागी का स्कूल जिसके अब शायद दो रूम्स और कुछ वॉल्स ही बची हैं और लैंडस्लाइड में सब कुछ बह गया था. और पता बुरी हालत है यार. मतलब सोचो स्कूल भी इससे पहले भी जब हम ट्रैवल इससे प्रीवियस व्लॉग में भी जो आपने देखा होगा रिवाल सर का, इतनी दूर दूर से लड़कियां पता नहीं कहां एकदम इंटीरियर से जंगल से आ रही थी. 6-6 बजे घर पहुँच रही हैं, 7-7 बजे. तो बहुत टफ लाइफ है. और ये सब सुनकर दिल बड़ा भारी सा हो गया था. तो लगा कि पानी ही अब इसे शांत कर सकता है. लेकिन इस वक्त हमारे पास वो भी नहीं था. सो बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप अपनी बॉटल्स वगैरह रिफिल कर सकते हो और हम भी कर रहे हैं अभी. मीट अंगू 7 को ट्रैकर्स और 2 गाइड्स के साथ. इस ट्रैक का एक बहुत इम्पोर्टेंट साथी था अंगू. तुम भी करोगे ट्रैक हमारे साथ? ट्रैक करने जाओगे सच बताऊं तो मुझे डॉग्स या कोई भी पेट सिर्फ दूर से ही पसंद है. मैं उन्हें जबरदस्ती पेट नहीं करता, मैं उन्हें उनकी स्पेस देता हूं. हाँ ये काफी अनपॉपुलर ओपिनियन है तो अब इतने भी जजमेंटल लुक्स मत दो. ये सारे जो हैं ये सब भी खेत थे लोगों के. पहले बता रहे थे कि सेब के वो थी बाग यहाँ पे. उम्मीद टूट रही है यहाँ मैं देखता हूँ हर साल उम्मीद टूट रही. हमारी आज सब्जियाँ पंजाबों में यहाँ से इतनी सब्जी जाती है पंजाब के लिए, व्यापारी बाहर से आते हैं. अगर रोड नहीं होगी तो वो कहाँ लेके जाएंगे? सब्जी तो ऐसी चीज है एक दिन में सड़ जाती है. अगर एक दिन लेट हो गए तो सड़ जाती है. बिल्कुल. तो ऐसे बहुत मुश्किल है ये पूरा जो बग्गी से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है. हाँ. बहुत हालत खराब है लोगों की. हाँ. लोग देखो वहाँ पे देखा होगा. हाँ, लोग बिल्कुल ना मैल डाला कुछ नहीं, अब ऐसे लगा रहे हैं. अभी उनको ये भी नहीं है पता कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा. नहीं बनेगा तो पूरी गोभी सड़ जाएगी. त्राशे से 2-2.5 किलोमीटर नीचे गाँव पड़ता है कलवाड़ करके. तो ये अभी पिछले साल ही
लोगों ने अपना घर तोड़ दिया, यहाँ ना पूरे में दरारें पड़ रही है, ये कभी भी पूरा नीचे जा सकता है, कोई विश्वास भरोसा नहीं है। ये देखो पूरी पहाड़ी है, दरारें पड़ गई गाँव अंदर अंदर ये इसको क्या तोड़ देना, लकड़ी काम आएगी आगे बाद, आगे घर बनाएंगे सेम ऐसा ही घर बन जाएगा, तो ये यहाँ से कैसे कहाँ उठाएंगे? अब गाय ना ऐसी मर जाएगी अंदर, बताओ गाय ऐसी मर जाएगी, कहाँ लेके जाएंगे? उठा के तो ले नहीं जा सकते, कहाँ लेके जाएंगे? बोलो बहुत मुश्किल है ना वहाँ, बोलो इन लिए तो यही जाने, तो पूरा लकड़ी का घर ना बहुत मुश्किल से बनाया होता है, जंगलों से लकड़ी लेके आना, फिर उसको लगाना, काटना, सब करना हर चीज। अभी ना उसको पूरा तोड़ दिया, अब ये पत्थर यहाँ पत्थर पत्थर है, लकड़ियाँ ऊपर रखी हुई है, अब यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? सही बात, रोड होगी तो गाड़ियों में भर के कहीं भी लेके, यहाँ बैठे हैं सिर्फ उनके लिए, उनके लिए बैठे हैं, जब तक वो है तब तक तो उनको घास पानी सब कुछ देना है ना, बिल्कुल। अब किसी की तरह थोड़ी ना छोड़ देना, मर जाओ जैसे, अब वो भी उन्होंने भी पाला है, दूध दिया है, तो उनको उनकी सेवा, मतलब पहाड़ों में इस चीज का बहुत है। इस ट्रैक में हमारा ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर था, पर हम चाहकर भी नॉर्मल टूरिस्ट की तरह वहाँ के लोकल्स की लाइफ और स्ट्रगल से दूर नहीं रह पाए, क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ वीकेंड्स में वुडन कॉटेजेस में रहकर सिंपल लिविंग को देखते हैं, बल्कि हम उसे करीब से समझना और अपने वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने ब्रेक ले रखा है, और यहाँ की भी पूरी स्टीप ही है यार प्रॉपर ना, और रॉ है एकदम, बहुत स्टीप है, कंटिन्यूअसली पूरा रॉ ही है, कुछ ऐसा रोड या फिर वैसा नहीं था जैसे गांगरिया या वैली ऑफ फ्लावर्स में, एटलीस्ट कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो गया लंच टाइम, इतना चढ़ के और थकान के बाद जब आप खाते हो ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और वैसे है हम पहाड़ों में सिर्फ सुकून के लिए नहीं जाते, हम वहाँ जाते हैं ये समझने के लिए कि सिटीज में रहकर हमारे पास कितने प्रिविलेजेस हैं। 5 मिनट में ब्लिंकिट से हमारे घर में सभी सब्जियाँ पहुँच जाती हैं, पर 3-4 महीने सब्जी उगाने के बाद भी उसे मार्केट तक पहुंचाने के लिए यहाँ रोड्स तक नहीं है। जो छत आज सर पर है वो कल होगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सिटीज में रहकर हम जब मार्वल मूवीज के पैरेलल यूनिवर्स में एस्केप खोजते हैं, तो ऐसी जर्नीज हमें वापस जमीन पर पटक देती है, और इस रियलिटी को जानने और इतने नज़दीक से देखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पराशर कितनी दूर है इसका तो अभी हमें पता नहीं है। विलेज कालंगा जो कि लास्ट विलेज है वो यहाँ से 230 मीटर्स है, जो कि एक प्लास्टिक प्रूफ विलेज है। हर ट्रैक कंप्लीट कर ऊपर पहुँचने के बाद एक अचीवमेंट सी फील होती है, पर उस अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए आपको एक मोटिवेशन और रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है, और इस केस में हमारी मोटिवेशन थी स्नो और सनसेट। रोलिंग एक्शन तेलंगाना वर्सेस आंध्रा एंड द बैटल बिगिंस। वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल करा है, पर जब से मैंने सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करी है तब से मेरा लैंडस्केप और नेचर को देखने का नज़रिया बदल गया है। सनसेट और सनराइजेस अब मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगने लगे हैं, एंड आई एम श्योर आज का सनसेट हमारे बहुत सारे स्पेशल सनसेट्स में से एक होने वाला है। सैटिस्फाइंग लगता है ना ऐसे ये बिगाड़ने में। ओएसएमआर फाइनली टॉप पे हम पहुंच गए हैं, और बिल्कुल हमारे सामने सनसेट होने वाला है। तो एक बार कैमरा को सेट करते हैं, भैया ने बताया कि वो बेस्ट लोकेशन है, सो लेट सेट अप द कैमरा एंड एंजॉय द सनसेट। खाली होना कैसा लगता है वो आज फील हुआ। यूजुअली हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, कभी तो अपनी वीडियोस यूट्यूब और चॉइसेस को ही डाउट करने लगते हैं, पर कुछ 9-10 किलोमीटर ट्रैक कर, कुछ हजारों कदम चढ़कर हमारे कंधों पर से वो सारी उम्मीदों और आशाओं का बोझ उतर गया था। हाँ, पैरों में जान अब कम फील हो रही थी, पर हम खाली हो गए थे, हल्का फील कर रहे थे। पहली बार सनसेट का वेट करना इतना सुंदर लग रहा था, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आसपास सभी लोग उस वक्त शांत हो गए थे। हम पास्ट और फ्यूचर की सारी स्ट्रेस छोड़ सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट में थे, अपने प्रेजेंट में थे। सनसेट देखते हुए बिल्कुल ZNMD फिल्म जैसा लग रहा था। अपनी लाइफ, ये लैंडस्केप, ढलता सूरज, सब बहुत अनरियल लग रहा था। यहाँ तक आने में जो भी परेशानियाँ हुई सब वर्थ लग रही थी। उस पल मानो सब कुछ ठहर गया था, ऐसा लगा जैसे हमने एक साथ कोई तीर्थ कर लिया हो।
और उस मूवमेंट की पावर और एनर्जी वहाँ बैठे सभी लोग फील कर रहे थे। हम शहर से आए हैरान परेशान लोग, अंगूर और उसके दोस्त, और इन पहाड़ों में रहने वाले हमारे गाइड्स, उस मूवमेंट में सभी एक थे, हम सभी शून्य थे। पीसफुल सनसेट देखने के बाद वहाँ से उठना और फिर ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल था, पर फाइनली सब जैकेट वैकेट निकल गई हैं। हालांकि ये बड़ा मिक्स एक सिचुएशन रहता है कि आपको जैकेट में भी स्वेट, और स्पेशली जो मैंने ये भालू का बच्चा पहन रखा है इतनी हैवी जैकेट है यार, ये एक्चुअली माइनस टेम्परेचर के लिए है। पूरे ट्रैक में तो इसका इतना एडवांटेज नहीं हुआ, बट आई थिंक ऊपर जाके जरूर होने वाला है। सनसेट होते ही जो माहौल हो गया है, सनसेट होते ही टेम्परेचर में जो गिरावट फील हो रही है ना, वो बिल्कुल एविडेंट है ना, हाथ पैर अभी से ही सुन होने लगे। आ गया कैंप। तो ये था हमारा ठिकाना जहाँ हम एक बहुत सुंदर सुबह के इंतजार में रात बिताने वाले थे, और यहाँ कैंप साइट तक पहुँचना कोई अचीवमेंट से कम नहीं था। Also, क्रेडिट देने से हम कभी पीछे नहीं हटते। आपने पूरे रास्ते इतना सपोर्ट करा और आपके वेल्डन से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। और जहाँ एक तरफ हमें टेंट में रखी रजाइयाँ बुला रही थी, वहीं दूसरी तरफ बॉनफायर भी बहुत टेम्पटिंग था, और एक बहुत गंभीर डिस्कशन के बाद हमने चूज करा बॉनफायर। बॉनफायर का माहौल तो बॉनफायर जैसा ही था, शुरुआत में थोड़ा ठंडा, पर हमें लगा कि हम ही माहौल बनाते हैं, और फिर क्या, हमने लगा ली पहाड़ों में अपनी पंचायत। और जब हमारी पंचायत बैठी है तो पोएट्री, गाने और बातें तो बेसिक्स हैं। तो आप जब हर बार चढ़ाई कंप्लीट करके ऊपर पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। आपकी एज क्या अंकल? 54। अरे वाह। महीने में कितनी बार हो जाता है ट्रैक? यही वाला यही वाला हो जाता है सर, कभी चार बार भी हो जाता है। अपना बैग तो था ही उनके पास, मेरा भी लिया था, 5-10 मिनट के लिए। हम सब कभी ले लेते हैं जरूर। तो माहौल तो बढ़िया जा रहा था, बट इस पॉइंट पर थकान हमारे सर चढ़ रही थी, तो बस फटाफट डिनर निपटा कर हमने किया आज के चैप्टर को क्लोज। हाँ, रात को ज्यादा देर तक स्टारगेजिंग ना कर पाने का दुख हमें जरूर है, पर नेक्स्ट सुबह टाइम पर ना उठ पाना और सनराइज मिस कर देने का दुख इससे भी ज्यादा होता, इसलिए हमने चुपचाप सोना ही बेहतर समझा। थैंक्स टू प्रांजल जिसने हमारे साथ अपनी ये फुटेज शेयर की। क्या रिकॉर्ड कर रही भाई, हालत खराब होती है। ठंड तो बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा ठंडा है। अब तो तुम्हारा ये भालू बनना सफल रहा ना? सफल रहा, अभी तो मैं इसको यार रिवर्स करके बना। पर वो जो कॉलिंग थी ना, जो हमें इतनी दूर ले आई थी, उसने हमें टाइम से पहले ही उठा दिया। जागते रहो, सनराइज वाले उठ जाओ अब। तो अब इस जर्नी का फाइनली जो थर्ड मुकाम था, स्नो हम देख चुके, सनसेट हम देख चुके, अब हम देखने जाने वाले हैं सनराइज, वो भी बिल्कुल स्नो के बीचों बीच। रियली एक्साइटेड, और आई होप सुबह 6 बजे उठना वर्थ इट हो और सबको उठाना वर्थ इट। सबसे पहले हम उठे हैं, बाकी उधर हमारा कैंप है, तो आ तो चुके हैं हम स्नो में। पता नहीं और फरवरी वगैरह में क्या ही सीन रहता होगा, है ना? मेरे ख्याल से ये हमारी कोल्डेस्ट विंटर थी। देखो यार, सुबह सुबह के सनराइज के पहले के नज़ारे। एक बात बता दूं यार, ये लोग जो सेवियर्स होते हैं ना ऐसे आपके ट्रैकिंग कैंपिंग में, मतलब मैं रात में वॉशरूम गया था उस टाइम पे, मतलब ऐसे ही था, बिल्कुल अंधेरा, और आसपास तो सब जंगल ही है, तो कोई बड़ी बात होती नहीं है कि कुछ वाइल्ड एनिमल वगैरह आ जाए, बट यार ये लोग ना फुल एक्टिव रहे थे रात में। मैं जैसे ही सुबह उठी, सबसे पहले इन्होंने मुझे ग्रीट किया, तीनों के तीनों ऐसे छलांग मारते हुए आए खेलने के लिए। एनर्जी देखो इनकी। यहाँ सेटअप हो रहा है हमारा कैमरा, वेटिंग फॉर द सनराइज। गुड मॉर्निंग गाइस। अनडाउटेडली सनराइज हमारी कुछ फेवरेट सुबहों में से एक रहने वाला है। पता है इस जर्नी में अब तक हम सिर्फ अमेजिंग सनराइज और सनसेट ही नहीं देख रहे थे, लेकिन खुद की फिजिकल कैपेबिलिटीज को भी जान रहे थे।
हर एक ट्रैक में मुझे अपने ही बारे में एक नई डिस्कवरी जरूर होती है। आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा प्योर सनराइज देखा है, क्योंकि यूजुअली हमें सिटी में रह के मिलावट वाली चीज़ें खाने और देखने की आदत हो गई है, तो इतना मैजेस्टिक लग रहा है। और मतलब वही नेचर की पावर जो शायद हम लोग हर वीडियोज में बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं, इतना मैग्निफिशेंट लग रहा था वो टाइम, और वर्थ इट लगा कि हाँ सुबह उठ के हम आए और हमने वेट किया, ना कि चले गए या फिर इतनी देर से सोने के बाद भी, जो भी था जैसा भी था यहाँ तक आने के बाद ये चीज़ तो मिस नहीं कर सकते थे और फाइनली हमने देख ली। थैंक यू भैया, क्योंकि वो हमें हर ऐसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ना कि वीडियोस हमारी शूट करने में, और वैसे भी 6 बजे उठ के हमें यहाँ तक लेकर के आने के लिए। मतलब अधिकतर लोग परेशान भी हो जाते हैं कितना रुकना पड़ रहा है सारी चीज़ें, बट थैंक यू सो मच ना सपोर्ट करने के लिए। वाइट चादर, मतलब मैंने स्नो देखी है पहले बट इतनी फ्रेश और इतनी सारी नहीं देखी, मतलब वो जो बची कुची लास्ट की होती है ना काली वाली, जो थोड़ी में ये लोग खेलते रहते हैं, हम उनमें से थे, तो अभी तो बहुत सारी है और अभी तो ऊपर और बहुत मिलेगी, और अभी तो ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो हो गया प्रॉपर अभी सनराइज, और ये है कुछ व्यू अपनी कैंप साइट का। आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो सनराइज देखने के बाद हमने ब्रेकफास्ट करा, अपने अपने बैग पैक्स करे और निकल पड़े अपनी फाइनल मंजिल की तरफ। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, आपके साथ सफर अच्छा रहा। फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी पराशर लेक ट्रैक तक, हमारे साथ हमारे दो साथी आते हुए। We know what we have, let's hold on tight. जैसे जैसे मैं ट्रैक कर रही थी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, वो जो माउंटेन्स कॉलिंग वाला कोट या स्टिकर है ना, वो मुझे काफ़ी सुपरफिशियल लगता था, पर अब लगता है कि हमारे केस में हमें पहाड़ कुछ ज़्यादा ही बुलाते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ट्रिप्स तो पहाड़ों की ही होती है। तो जिन भी लोगों ने रॉकस्टार देखी होगी तो एक सीन था उसका, मे बी याद होगा या नहीं आप लोगों को, उसमें वो कॉन्सर्ट छोड़ के और सनराइज देखने के लिए चला जाता है, उसके पीछे वो ड्रामा होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है रणबीर कपूर मेन प्रोटैगनिस्ट, तो मतलब वो चीज़ समझ में आती है यार इतने सारे सनराइजेस सनसेट्स देखने के बाद कि ऐसा इंसान क्यों कर सकता है। हालांकि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारा काम ही वो है कि उस वजह से हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं, देख पाते हैं, और ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर सनसेट, इनफैक्ट एक नहीं बहुत सारे लगातार हम सनसेट सनराइजेस देखते हुए आ रहे हैं, हम छोड़ ही नहीं रहे हैं वो चीज़ें। आपको बहुत पसंद होंगे ना पहाड़? पहाड़ों पे जन्म हुआ है, देवा परासरा मारे ऋषिया तेरी जय जयकारा, देवा परासरा दूरा दूरा ना जतरू आए, दूरा दूरा ना जतरू आए, कर जांदे जयकारा देवा पराशरा, मारे ऋषिया तेरी जय जयकारा मारे पराशरा। इस पॉइंट से पराशर लेक सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो ये है काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट और जा रहे हैं अब अंदर। तो अब हम पराशर लेक के परिसर में, मंदिर परिसर में एंटर कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग पराशर लेक। जिधर मैंने एक्सपेक्ट करा था कि फुल बर्फ होगी वो तो अभी नहीं मिली है। यहाँ के हम पुजारी है और पराशर ऋषि गुरु वशिष्ठ के पोते और मारिषि शक्ति के बेटे थे, और इनके ही पुत्र वेद व्यास हुए थे जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े रचयिता माने गए। बोलते जब महाभारत काल समाप्त हो गया था तो महर्षि पराशर जो है हिमालय की तरफ निकले थे, भ्रमण पे निकले थे,
और यहीं आके इन्होंने 63,000 वर्ष ध्यान किया था, कृष्ण भगवान की आराधना की थी इसी जगह पे बैठ के। यही सर्वोपरि माने गए कि ये 12 साल के बाद अपनी माँ की गर्भ से बाद पैदा हुए थे। इन्होंने चार वेद पहले ही पढ़ लिए थे अपनी माँ की गर्भ में। लेकिन इस जगह का महत्व ये है कि इस जगह पे आके इन्होंने जो ध्यान किया था और यहीं लीन हो गए थे महर्षि पराशर। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की एक पानी का झील तैयार की पराशर ऋषि ने अपने तपोबल से, और इसके अंदर एक आयरलैंड है, ये मूवमेंट करता रहता है, कभी उस कोने चला जाता है कभी इस कोने आ जाता है, लेकिन चलता है प्रभु की इच्छा से। जब प्रभु की इच्छा होती है तभी चलता है, कभी सालों के बाद कभी सालों भर खड़ा भी रहता है। और इसकी गहराई नापी, कई बार नापने की कोशिश की, बाहर से लोग आए, शोधकर्ता आए, राजाओं के वक्त नापी गई, लेकिन आज तक गहराई नहीं नाप पाए, खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। और बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में मंडी हिरासत के कोई राजा बाणसेन थे, मंडी हिरासत, जो मंडी हिरासत बहुत बड़ी राजधानी मानी जाती थी मंडी, उनके जो है पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ मन्नत डाली गई थी राजा द्वारा। उनके जो है 60 साल के बाद बेटा हुआ था, काफ़ी उम्र के बाद बेटा हुआ था, तो उस खुशी में उसने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण किया था इस जगह पे। और ये आज भी शाही परिवार के कुल देवता माने जाते हैं यहाँ। पांडव का कोई कंसर्न नहीं है, पांडवों का कोई लेन देन नहीं है इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे पराशर ऋषि खुद आए थे। वो गूगल मैप पे गलत डाला गया कि पांडवों ने यहाँ कौनी डाली थी, भीम ने मुक्का डाला था कुछ, वो गूगल मैप पे गलत डाला गया कि भाई भीम इधर नहीं आए थे। हाय गाइस, मैं और ये मेरी छोटी बहन है, मैं पठानकोट से यहाँ पे आई हूँ और इसके पास ही यहाँ पे पड़ती है। हम लोग सुंदरनगर से मंडी से फिर सुबह यहाँ पे आए और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बैंगलोर से इतना दूर कैसी रही जर्नी? आईआईटी मंडी में हम पढ़ते हैं। ओके, वेरी नाइस। कैसा लगता है वैसे बैंगलोर और यहाँ का माहौल? बहुत मतलब अलग है, एनवायरनमेंट बहुत मतलब अलग है यहाँ पे। अभी हम आके एक वीक ही हो गया है, मैं एक्चुअली पीएचडी के लिए आया हूँ। ओह नाइस। और मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ। ओह नाइस, वेरी नाइस। जो भी बच्ची कुछ है इसे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, और साथ हमारे एक और हिमाचल की पलटन। सोचा तो था कि मैं ये बोलूंगी कि चारों तरफ सफेद बर्फ है जिससे हमारी आंखें चौंधिया जा रही है और स्नो वाइट फील आ रहा है, पर चश्मे लेके आए थे स्पेसिफिकली, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो व्लॉग्स में देखा था वैसा कुछ मिला नहीं है, पर जो भी है, जो भी फील है उसका ही मजा ले लेते हैं और थोड़ी बहुत जो बची कुची आइस है उसमें खेल लेते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट ट्रिक, वाज बिट अफ्रेड कि क्या होता है कैसे होता है, मुझे पता नहीं था। ये तो 6-7 बार गया है, ये मुझे मोटिवेट मतलब वो बताते ना एक्सपीरियंस, उसको सुना के मुझे भी लगा मुझे भी आना है, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। इधर आने के बाद पूरा अलग ही माहौल है। बाय बाय पराशर लेक। आ चुकी है कार, तो अब कार में बैठ के जाएंगे नीचे तक। जितना डिफरेंट अंगू का नाम था उतनी ही क्यूरियस और डिफरेंट उसकी एनर्जी हमें फील हुई। अंगू के साथ शायद मैं पहली बार किसी डॉग से इतना क्लोज आया। बागी से ऊपर कैंप तक, पूरी रात टेंट के बाहर जागने तक, हमारे साथ सनराइज पॉइंट जाने तक, पराशर लेक तक, और फिर वापस नीचे बागी पहुंचने तक अंगू की प्रेजेंस एक अलग ही सपोर्ट सिस्टम थी। अगर आपको भी किसी ट्रैक में ऐसा ही उछलता कूदता आपका अंगू मिला हो तो कमेंट्स में उन सभी डॉग्स के लिए एक हार्ट जरूर छोड़ जाना। सच बताऊं क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ और कहना आता भी नहीं। पराशर लेक का जो सीन हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमें नहीं मिला, पर इस पूरी जर्नी में हमें एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग चीज़ें मिली हैं, और यकीन मानिएगा बहुत सुंदर मिली हैं। इसलिए शायद किसी सफ़र पर चलने से पहले एक्सपेक्टेशंस का बैग घर में ही छोड़ देना चाहिए। और वो कहते हैं ना, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान्ड इट्स बिकॉज गॉड हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। And now we believe in it. Life और ये journey कितनी strange है ना? ये कुछ जो strangers हैं, इन्हें कल तक हम जानते भी नहीं थे, और आने वाले कल में भी शायद हम कभी ना मिलें।
लेकिन आज इस जर्नी में हम अपने एक्सपीरियंसेस और ये स्पेशल मोमेंट्स इनके साथ ही शेयर कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस सफर में हम रुके, थके और डरे भी। इस सफर में हम सीखे, बने और बदले भी। इस सफर में हमने खुद को एक दूसरे के और नेचर के और भी क्लोज पाया। अगर आप भी इस वीडियो के जरिए पहाड़ों को और नजदीक से देख पाए और नजदीक से जी पाए, जैसे इस वीडियो में हमने अपना हार्ट एकदम बाहर रखा है, तो ऐसे ही अपना एक हार्ट जरूर छोड़ के जाइएगा हमारे लिए, ताकि हम एक साथ कई और पहाड़ों के सफर तय कर सकें।